Sharks. Hey. Hi. Hi. Hello. ये 10 सेकंड का साइलेंस हम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और कई बार एनोइंग हो जाता है, पर क्या आप जानते हैं ये साइलेंस ही बहुत लोगों की ज़िंदगी बन चुकी है। WHO का मानना ये है कि 2030 तक में 8 में से एक मतलब करीबन 100 करोड़ लोग दुनिया में, उनको कुछ ना कुछ हियरिंग लॉस हो चुका होगा। आज के दिन में दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके या तो कान ही नहीं है या इनको कम्प्लीटली नहीं सुनाई देता, और ऐसे लोग कन्वेंशनल नॉर्मल हियरिंग एड्स यूज़ नहीं कर सकते। इनके लिए एक ही सॉल्यूशन है जो सर्जरी के फॉर्म में है, और वो सर्जरी का कॉस्ट है करीबन 8 लाख रुपए, जो आम इंसान के बस के बाहर है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम कनिष्क है। और मेरा नाम राज है, हम अहमदाबाद से आए हैं, हम वी हियर के को-फाउंडर्स हैं। वी हियर एक ऐसी कंपनी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कॉस्ट इफेक्टिव हियरिंग सॉल्यूशंस बनाती है। हमारे 2 प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में है, उसमें से हमारा पहला हीरो प्रोडक्ट हियर व्यू प्रो है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे कान को बाईपास करके आवाज सीधे आपके ब्रेन को मतलब बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और ये हमारा पैटेंटेड प्रोडक्ट है। तो नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन 8 लाख की सर्जरी के बदले में 80,000 में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट वी हियर OX एक ईयर हेल्थ फ्रेंडली स्मार्ट हेडफोन डिवाइस है, और ये प्रोडक्ट मेरे और आपके लिए है जो हमें हमारे फ्यूचर हियरिंग लॉस से बचाएगा। वी हियर इंडिया का एकलौता हियरिंग एड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरा इन हाउस करता है। आज हमारे पास 3 ग्रांटेड पेटेंट है और 3 पब्लिश्ड पेटेंट है, और हमारे पास 38 लोगों का टेक्निकल डेवलपमेंट टीम है। आज हम इंडिया में 11 सिटीज में प्रेजेंट है, और हम ग्लोबली 13 कंट्रीज में लॉन्च कर चुके हैं। हमारा आस्क आपसे आज 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए 1% इक्विटी। तो शार्क्स, जो लोग सुन नहीं पा रहे उनको हम सब मिलकर आवाज देते हैं। फिर से बोलिए, हम नहीं सुन पा रहे ऐसा नंबर। 250 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा आपने, राइट? यस सर। प्रॉब्लम तो ये नोन है वैसे हियरिंग एड की, पर आपने बोन कंडक्शन की बात करी। आप बोन कंडक्शन के जो हेडफोन्स आते हैं वो तो काफी टाइम आफ्टर शॉक करके कंपनी है, और भी लोग लाए हैं वेरिएबल में, अमन को भी मालूम होगा। करेक्ट। बोन कंडक्शन हेडफोन्स तो दुनिया में करीबन 10-12 साल से हैं। तो हमारा पैटेंट है कि हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसा हियरिंग सॉल्यूशन बनाया है कि जिन लोगों का कान ही नहीं है, मतलब फिजिकल कान भी नहीं है और कान का होल नहीं है, वो बिना सर्जरी के सुन पाते हैं। पर वो तो नॉर्मल जो हेडफोन्स हैं बोन कंडक्शन वाले उनसे भी सुन सकते हैं ना, तो आपके उसमें ऐसा क्या टेक्नोलॉजी आपने लगाया है? तो सर, नॉर्मल हेडफोन से जो पर्सन कम्प्लीटली डेफ है वो नहीं सुन पाएगा। समझ लीजिए कि नॉर्मल बोन कंडक्शन हेडफोन जो है वो लाइक सनग्लासेस है, कोई भी पहन सकता है, और ये जो हमारा हियरिंग केयर डिवाइस है इट्स लाइक अ स्पेक्टिकल, मतलब उसको आपके कान के हिसाब से पूरा कन्फिगर करके ये साउंड को उस तरीके से प्रोसेस करता है और बाद में आपके कॉकलिया को भेजता है। तो ये क्या बर्थ बाय बर्थ डिफेक्ट होता है? यस सर, इस डिफेक्ट को बोलते हैं माइक्रोशिया। तो मल्टीपल सर्जरीज होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी होता है एंड दूसरा एक इम्प्लांट सर्जरी होता है, यहाँ पे आपके हेड में पूरा ड्रिल करके वो डिवाइसेस को परमानेंटली फिट कर देते हैं। आपका मार्केट ज्यादा सर्जरी वाला है या आपका मार्केट ज्यादा हियरिंग एड वाला है? हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है वो सर्जरी का सोल्यूशन है, और जो हम सेकंड प्रोडक्ट अभी लॉन्च करेंगे कुछ टाइम के बाद वो होगा कन्वेंशनल हियरिंग एड। तो आज आप कन्वेंशनल हियरिंग एड वाले मार्केट में नहीं है, आप ज्यादातर सर्जरी को रिप्लेस करने वाले काम पे ध्यान दे रहे हैं। हम जो एक सर्जिकल सोल्यूशन है उसका फर्स्ट हमारा की फोकस है, वो हमारा 70% रेवेन्यू का सोर्स है। सेकंडली जो हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो वेरिएबल है वो करंट अभी 30% रेवेन्यूज लाता है। ठीक है, अब आप अपना प्रोडक्ट डेमो दे दीजिए। Would you like to experience the headphones first? Yes, yes. Okay. Achha. So you are listening to some song which is not audible to any of them. Yeah. Secondly, इसमें हमने 2 modes बनाए हैं, indoor mode और outdoor mode. इसको जैसे ही आप ये outdoor mode में आ गया, single button के press से आप वापस कहीं भी आ रही है। हाँ, तो आउटडोर के लिए मोड था। पर हम यूजुअली तो म्यूजिक बाहर के एनवायरनमेंट में ही सुनते हैं जब हम हेडफोन लगाते हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है और इसके साथ हम ईयरबड्स देते हैं, तो आपको जब फ्लाइट में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने वो ईयरबड्स लगा दिए, सो यू हैव अ परफेक्ट एक्सपीरियंस, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द साउंड क्वालिटी। यार ये मेरे को तो समझ नहीं आया है बोन कंडक्शन क्यों, इट इज जस्ट लाइक एन ऑडियो फोन। कहाँ यहाँ से आवाज आ रही है? आप इसको ऐसे पहन लेंगे? वो मैं समझ गया, एनी हेड गियर जो ब्लॉक कर देता है साउंड वो किसको आती नहीं है। सर यहाँ पे कोई स्पीकर्स नहीं है, तो क्या काम करता है कि ये जो अभी एयर को वाइब्रेट कर रहा है इसको जब मीडियम में ही मिलेगा तो एयर को वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज वो वाइब्रेशन आपके स्कल के थ्रू अंदर कॉकलिया में चले जाएंगे। अच्छा, स्पीकर नहीं है इसमें? हाँ जी, इसमें ट्रांसड्यूसर आते हैं, स्पीकर नहीं होते। भाई गाना तो अच्छा लगा देता।
सो ये जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है हीरो प्रोडक्ट, इसका नाम है हियर एन यू। हियर एन यू प्रोडक्ट क्या करता है, तो दिस इज द प्रोडक्ट जिनके कान ही नहीं उनके लिए है। सो इसको पहनते ऐसे है जो आपके ये जो बोन है टेम्पोरल बोन बोलते हैं, तो ये डिवाइस टेम्पोरल बोन पे लगती है। हमारा जो की सेल्स है इस प्रोडक्ट का है एंड हेडफोन्स इज नॉट द की टारगेट। तो मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ काम कैसे करता है। मान लो मैं ये डिवाइस का यूजर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये डिवाइस को मैं पहन लूँगा एंड ये बैंड है एक, जैसे मैंने बैंड हाथ में पहन लिया, ये बैंड के अंदर अलग अलग माइक्रोफोन लगे हुए हैं। सो अब क्या होगा, आप जो भी बोल रहे हो सारा आवाज़ ये 360 डिग्री में कैप्चर करता है एंड उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो हर किसी के कान के हिसाब से ऑडियो को ट्यून करता है एंड ये और ये ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप जो भी बोल रहे हो सारी आवाज़ इसमें कैप्चर होती है, प्रोसेसिंग होती है एंड रियल टाइम में मुझे यहाँ पे सुनाई देती है। अब इसका जो ब्लूटूथ है उसमें ड्यूअल कनेक्टिविटी का सपोर्ट है, तो आसपास की चीज़ें तो मैं सुन ही रहा हूँ, पैरेलली मैं टीवी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं फोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एजुकेशन है जैसे बच्चों का, तो दे कैन नो आसपास की चीज़ें तो सुन ही रहे, साथ में वो और सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन से भी चीज़ें सुन सकते हैं। तो ग्लोबली अगर किसी का भी ये सिचुएशन है तो अदर देन सर्जरी उनको सुनना है तो वर्ल्ड में इकलौता आप ही का सोल्यूशन। बिल्कुल सर। तो दुनिया में 2.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास आज सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और आज ये डिवाइस ही उनके लिए चल सकता है। बिल्कुल। कोई और टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन नहीं है सर, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो मैसूर में है इन्होंने इसको टेस्ट करके इसको रिकमेंड किया हुआ है। अली अवर्जंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो बांद्रा में है, 72 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी इसको टेस्ट किया हुआ है। चलिए यार बहुत बढ़िया, अगर आपने ऐसा किया है तो आज की तारीख में ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं If they don't do surgery, what do they do? सर वो नहीं सुन पाते, जैसे लड़की नहीं सुन पाते। कितने करोड़ लोग होंगे जो सर्जरी नहीं कर पाते? सर आइडियली 80% लोग होते हैं क्योंकि इनको अफोर्डेबिलिटी आधा भी मान लेते हैं आधा से ज्यादा ही होता है। वेल डन यार, वेल डन। अभी ये बताओ आपने 250 करोड़ की जो वैल्यूएशन मांगी है उसका राज क्या है? हमने अभी जो लास्ट राउंड क्लोज किया है इट इज फॉर 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 3% इक्विटी डाइल्यूशन व्हिच इज अ 268 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आप हमें डिस्काउंट दे रहे हैं? ट्रस्ट भी आज 50 लाख हमारे बैंक में पड़े हैं, वो 8 करोड़ और भी कमिटेड है जो आ जाएंगे मोस्टली विद इन नेक्स्ट 6 डेज इन आवर बैंक अकाउंट। सॉरी यार मेरे को आप स्केप्टिक कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन आपने इतना तोड़ निकाल दिया कि ऐसी इन्वेंशन कर ली जो बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल सर। और आपके पास पैटेंट्स भी घर के है, ग्रांटेड है, ग्रांटेड है, और फिर भी आपके बैंक में सिर्फ 50 लाख रुपए है। इसके पहले राउंड कितना रेज किया? फर्स्ट राउंड 2021 में हुआ, 1 crore 20% dilution at 5 crore value. Value. Okay. कौन था investor? Victoria Stock Invest from Faridabad. ये कौन है? मैंने हमने नाम नहीं सुना। So in Narsimunji when he was my batchmate also. So it's like an angel round. Friend. फिर उसके बाद जो 2022 में हुआ वो प्योर कैपिटल गोविंद भाई दोलकिया एसआरके ग्रुप करके है, वो काफी फिलैंथ्रोपी में काम भी करते हैं। क्या वैल्यूएशन? 50 crore वैल्यूएशन पे 2.5 crore for 5%. और अभी सीधा एक साल में आप पहुंच गए हो 268 crores वैल्यूएशन फॉर 3% 8 crore का इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कौन डाल रहा है? ORTIN, ORTIN, ORTIN इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर फ्रॉम दुबई। ये कहाँ से ढूंढते हो लोग? ये भी दोस्त था क्या आपका नरसिंह मुझे में? नहीं, ये दोस्त नहीं था। नाम नहीं सुना यार। हम लोग अभी बीच में दुबई जाके आए थे, तो वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फ्यू पीपल हु आर ENT सर्जन्स देयर, दे इनवाइटेड अस देयर। ये वैल्यूएशन नंबर कैसे डिसाइड हुआ? हमने अब तक 5 crore के प्लस सेल्स कर चुके हैं, ये साल में ही हमने 2.82 crores कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। Last month September is 93 lakhs, August is 89 and July was 14.25. यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जनरली हम देखते हैं IP related businesses जो है काफी VC backed रहती है। बिल्कुल सर। Exactly. और tier 1 VCs मतलब ढूंढ रहे हैं, ऐसे कूदते हैं इस पे। Absolutely. We already have interest. मैं फ्रांस जा रहा हूँ, वहाँ पे 3 health tech investors हैं। अरे भाई वहाँ पे छोड़े, वहाँ फ्रांस, आप दुबई जाते हो, फ्रांस जाते हो, इंडिया में भाई फंडिंग की कमी है क्या? Why haven't you, आप यहां के VC से मिले? तो जब हमने पहले अप्रोच किया तो बोले आपके पास रेवेन्यू ही नहीं है, आप जो पैसा मांग रहे हो लॉजिकल नहीं है। सो वी वेंट टू पीपल हु बिलीव्ड इन अस। मुझे लग रहा है कहीं आपके टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से बात हो नहीं पा रही है, इसका जरूर कोई विकल्प है और इस कारण से ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा है कि विल दिस बी द टेक्नोलॉजी जो ये मार्केट कैप्चर करेगी, मुझे लग रहा है। आपका क्या व्यू है इसे? ये कितना बड़ा बिजनेस बनता है? सो ऑडियोलॉजी का जो मार्केट है उसमें मेन 3 अलग अलग सेगमेंट्स है। पहला सेगमेंट जो अभी ऑलरेडी हम कैटर कर रहे हैं जिनके लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोडक्ट है एंड अपकमिंग एक और प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं।
दूसरा मार्केट जो इन ईयर हियरिंग एड का मार्केट है वो पूरा का पूरा अभी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, जो कि सीमेंस और ये जो एग्जैक्टली, तो ये मार्केट ऑलरेडी 5000 करोड़ का इंपोर्ट होता है एवरी ईयर इंडिया में, एंड ये नंबर मैक्सिमम अभी ग्रो हो रहा है। इसमें आपकी कोई स्पेशल यूएसपी नहीं है? इसमें हम दो चीज पे काम कर रहे हैं, एक चीज जो है हमारा फीचर ओरिएंटेड, ये 16 चैनल प्रोग्रामेबल डिवाइस है, तो 16 अलग अलग तरह से आपके लेफ्ट कान और राइट कान को आप ट्यून कर सकते हो। इसके साथ साथ नया लॉन्च करेंगे, हाँ, जो हम लॉन्च कर रहे हैं जो इन ईयर हियरिंग एड, इसी में सेम ब्लूटूथ का फीचर है, इसी में रिचार्जेबल बैटरी है, सो ऑल दोस फीचर्स आर देयर। आपके हियरिंग डिवाइस और वो उसमें कितना प्राइस डिफरेंस है? ये जो सीमेंस वगैरह हियरिंग एड आते हैं उसका मिनिमम प्राइस एक कान का अगर आप देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 65,000 to 70,000, एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वी आर लॉन्चिंग इन 35,000 फॉर अ पेयर। या तीसरा मार्केट हमने अभी एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है टीनी एक्स करके, टीनाइटिस अगर आपको बताओ, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो फिर भी आपके कान में आवाज आती रहती है, तो टीनाइटिस अभी बहुत ही बड़ा ग्रोइंग इश्यू है। तो आप अपने सेल्स पे थोड़ा बताइए कितना इंडिया में है और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? सो जो लास्ट दो महीने के सेल्स हैं ये दोनों इंटरनेशनल मार्केट के सेल्स है, सो जो अगस्त वाला सेल है वो केन्या का है और ये सितंबर वाला सेल है वो दुबई का है। इंडिया के अंदर में आपका कितना बिजनेस आता है? तो सर हमारा जो मॉडल है उसमें हम क्या करते हैं कि हर शहर में एक स्टॉकिस्ट बनाते हैं, तो हमने जब May 2022 में पैटेंट ग्रांट हुई तो हम हर महीने एक एक शहर में लोगों को लॉक करना शुरू किया, उस तरीके से हम 11 सिटीज में धीरे गए, उस तरीके से हमारे करीबन 1200 डिवाइस तो वैसे ही सेल हो गए, फिर हमने उन्होंने आगे सेल कर दिए वो डिवाइस, उन्होंने आगे भी सेल सेल शुरू कर, तो रीऑर्ड सेल शुरू कर दिए लुधियाना अभी शुरू हुआ। एक सेकंड, और सेल कर दिया में बहुत फर्क है, रीऑर्डर कितना आया? तो हमें 4 स्टॉकिस्ट से रीऑर्डर आया, 400 डिवाइस, 400 डिवाइस बिकी है 1200 में। चलो यार राज भाई, आप बहुत तिगड़मबाज हो, आप कहां से कहां पहुंच जाते हो, क्या कर लेते हो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। इतनी रेवोल्यूशनरी कंपनी, आईपी बेस्ड कंपनी का इतना अनकन्वेंशनल फंडिंग रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा। फाइनली मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फॉर दीज रीजंस आई एम आउट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच राज एंड कनिष्क। अनलाइक अनुपम, मैं इसके बारे में स्केप्टिकल नहीं हूँ, मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 2.5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोग जो सर्जरी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनको आपका सोल्यूशन पहुँचेगा। हैविंग सेड दैट, 268 करोड़ की आपकी ऑलरेडी वैल्यूएशन है, तो मेरे लिए ये एज एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स विल नॉट जस्टिफाई दिस एंट्री वैल्यूएशन, तो इस वजह से आज मैं आउट। एज ए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे आना for 1% मेरे को थोड़ा अभी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। I will not be able to invest. Sorry, I'm out. Sure. मुझे लगता है इस पे अगर मैं इन्वेस्ट करता तो इस पे वक्त मेरा बहुत सिग्निफिकेंट लगेगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे जस्टिफाइड है। पर एज somebody who wants you to win, मैं विदेश की कुछ सोवरेन फंड्स के बोर्ड में हूँ जहाँ पे सिमिलर चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, मैं वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ एज अ फ्रेंड एंड सपोर्टर। बट क्योंकि मेरे समय में जो मुझे ओनरशिप का एक्सपेक्टेशन होगा आपके बिजनेस में आज मैं नहीं मिल पाएगा, तो उस कारण से मैं आउट हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी कोई बर्न नहीं है कंपनी में? लास्ट दो महीने से वी आर पॉजिटिव। तीन साल में क्या करना चाहते हैं? FY 2024-25 हमारा टारगेट है इंडिया के 30 सिटीज और ग्लोबली 25 कंट्रीज, यूरोप और यूएस मार्केट्स इसलिए हम ज्यादा टैप कर रहे हैं। विजन क्या है, एक लाइन में बताइए। 2.25 लाख डिवाइसेस सेल्स करेंगे हम इन कंट्रीज में, एंड टॉप लाइन वुड बी 160 करोड़। इस कंपनी को मैं $1 बिलियन कंपनी के हिसाब से देखता हूँ अगले 5 साल के अंदर। चलिए आपको ऑफर देता हूँ, पर कुछ कंडीशंस हैं। बिल्कुल सर। इंडिया हैज टू बी अ बिग फोकस फॉर यू। जब मैंने आपसे विजन पूछा, आप बार बार बोलते हैं 150 करोड़, 1 बिलियन, आपने ही नहीं बोला कि मैं 3 साल में इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। ये जो आपका प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च नहीं किया, इसको हम बहुत बड़ा फोकस बनाएंगे, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये 50-60 हज़ार रुपये के जो हियरिंग एड आते हैं ये अफोर्डेबल नहीं है, और जो सस्ते आते हैं 400-500 के वो किसी काम के नहीं। मैं इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ, एंड यू नो ऑल द रीजंस व्हाई। प्रॉब्लम आ रहा है वैल्यूएशन का बॉस। आप मेरे दोस्त हैं तो मैं भी आपको दे देता हूँ 500 करोड़, बट दैट डजंट मेक योर वैल्यूएशन। एंड आपको देखना पड़ेगा कि हाउ आर यू वैल्यूइंग मी एज एन इन्वेस्टर। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा फॉर 1% इक्विटी, बाकी 1.5 करोड़ आपको डेट है 9% इंटरेस्ट पे ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स मान लीजिए। क्या करना है? 2.5 करोड़ 1% में अगर हम अभी जाते हैं इक्विटी के साथ,
हम साथ में एडिशनल एडवाइजरी इक्विटी रख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमारा परफॉर्मेंस भी और साथ में वही तो मैं आपको ऑफर दे दी ना मोटा मोटी, वही हो गया आपका काउंटर क्या है 2.5 crores फॉर 1% मतलब 250 जो आप वैल्यूएशन लेके आए वही चाल नहीं आप मेरे को ये बोल दिए 2.5 crore 2.5% वो कर सकते हैं फिर आप 1.5% एडवाइजरी दे देना मैं 2.5 crore डाल दूंगा तो माय स्किन इज इन द ऑल इन ठीक है सो डील पक्की सर डील पक्की विजन प्रॉब्लम में मैंने 12 साल लगा दिए इसमें भी 10 साल लगेंगे बहुत बढ़िया काम करते हैं साथ में और होपफुली अभी 2.25 lakh नहीं आपके साथ 10 lakh लोगों का सलूशन हम करेंगे यार छोटा नंबर